हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज आप देखेंगे इस डिज़ाइनर काफ्तान की कटिंग स्टिचिंग का वीडियो, बहुत ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, कहीं भी स्किप ना करें। एंड वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बैल बटन ज़रूर दबा दें और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। सो गाइज़, इस काफ्तान के साथ हमने ये डिज़ाइनर शलवार बनाई है और इस शलवार का जो वीडियो है वो मैं अपने चैनल पर पोस्ट कर चुकी हूँ, आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं या फिर मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में इस शलवार का लिंक दे दूंगी, तो वहां से आप इसका वीडियो देख सकते हैं। सो गाइज, इस वीडियो में हम ये काफ्तान बनाएंगे। एंड काफ्तान का जो फैशन है वो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। सो अगर आप काफ्तान पहनना पसंद करते हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर काफ्तान की प्लेलिस्ट को एक बार चेकआउट ज़रूर करें, जहाँ पर मैंने अलग अलग तरह से काफ्तान के डिज़ाइंस की कटिंग स्टिचिंग शेयर कर रखी है। और प्लेलिस्ट का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, सो वो आप एक बार ज़रूर देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, ये काफ्तान बनाने के लिए हमें जिस मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ेगी वो मैंने स्क्रीन पर मेंशन कर दिया है, इसी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हमारा ये काफ्तान रेडी हुआ है। आप अपने मेजरमेंट के हिसाब से बना सकते हैं। एंड ये काफ्तान बनाने के लिए हमें सिर्फ 2 मीटर फैब्रिक की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैंने यहाँ पर 2 मीटर रियॉन फैब्रिक लिया है जिसको हमने किनारे वाली साइड से डबल फोल्ड किया है। एंड जो इसकी लेंथ है वो 41 इंच है डबल फोल्ड करके। एंड इसके बाद देखिए, ये इसकी विड्थ वाली साइड है, यानी जिधर से धागे निकलते हैं वो साइड अरज वाली साइड है, ये वाली। तो इसका जो अरज है वो 43 इंच है, तो इसका ज़्यादा अरज नहीं है, नॉर्मल है बिल्कुल। इसके बाद हमारा जितना भी 2 मीटर फैब्रिक है इसको हम किनारे वाली साइड से डबल फोल्ड रखेंगे इस तरह से। तो किनारे वाली साइड से हम इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे। एंड इसके बाद अब हम इसको अरज में 4 फोल्ड कर लेंगे। तो ये हमने 4 लेयर में इसको इस तरह से फोल्ड कर लिया है। सो ये बंद वाली साइड है, यहाँ से हम अपने शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो जितना भी हमारा शोल्डर है उससे 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। सो मैं यहाँ पर 7.5 इंच लूँगी और 7.5 इंच ही मैं आर्म होल की लेंथ लूँगी। तो आर्म होल में भी मैंने 1/2 इंच बढ़ा लिया है, तो सिर्फ आर्म होल की लेंथ लेनी है। अब यहीं से हम अपने बस्ट का 4th पार्ट मार्क करेंगे जो है 10 इंच। इसके बाद शोल्डर पर टेप रखकर वेस्ट की लेंथ लेंगे जो है 15 इंच। अब यहाँ से हम अपने वेस्ट का 4th पार्ट मार्क करेंगे। सो यहाँ पर मैं 8.5 इंच पर मार्क करूँगी एंड दोनों पॉइंट को इस तरह से लाइन अप कर देंगे। इसके बाद हम कमर से इंची टेप रखकर नीचे की तरफ थोड़ा ए लाइन शेप देते हुए मार्क करेंगे। तो यहाँ पर लगभग 15 से 16 इंच तक की लेंथ पर इस तरह से ए लाइन शेप में मार्क करेंगे यहाँ तक। सो यहाँ पर मैंने देखिए नीचे से लगभग 11 इंच ऊपर मार्क किया है और इस साइड से लगभग 7.5 इंच पर मार्क किया, ख़त्म किया है। ये ओपन साइड है जहाँ पर 4 लेयर हैं। एंड इसके बाद हम अपने काफ्तान की हाई की मार्किंग करेंगे। तो आपको हाई की जितनी भी लेंथ चाहिए वहीं पर इस तरह से मार्क कर सकते हैं। मैं लगभग 34 इंच की लेंथ रखूँगी हाई की। सो नीचे से लगभग 6 इंच के अराउंड हमने मार्क किया है ऊपर की तरफ। अब इस मार्क को कर्व शेप देते हुए इस कॉर्नर पर इस तरह से मिला देंगे। और इसके बाद अब हमने जो ये मार्किंग की है नीचे से, इसकी कटिंग कर लेंगे। सो कटिंग हमने सिर्फ इसी पार्ट की करनी है और कहीं की नहीं करनी, इस तरह से। अब देखिए, हमने अपने जो हमने फिटिंग वाले मार्क किए हैं इस मार्क को दूसरी साइड में भी इस तरह से मार्क करना है। तो बराबर पकड़ते हुए हम यहाँ पर मार्क कर लेंगे। तो तीनों मार्क यानी हमारे बस्ट, वेस्ट और ये वाला पॉइंट जो हमारा यहाँ ख़त्म हो रहा है इसको साइड में लाकर मार्क करेंगे। एंड इस साइड में भी हमने ये फिटिंग को इस तरह से मार्क करना है। सो कमर से इंची टेप रखते हुए यहाँ तक हमने इस तरह से वही शेप दे दी है जो हमने दूसरी साइड दी है। इसके बाद देखिए, हमने अपने नेक की कटिंग कर लेनी है। सो नेक आप चाहे तो ब्यास स्ट्रिप पे बना सकते हैं या फिर राउंड स्ट्रिप पे भी बना सकते हैं। सो फोल्ड वाली साइड से हम नेक की विड्थ लेंगे लगभग 3 इंच और इसके बाद मैं बैक नेक की लेंथ लगभग 4 से 5 इंच ले लूँगी और फ्रंट नेक की लेंथ लगभग 5.5 इंच लूँगी। नीचे से भी हम 3 इंच पर मार्क करेंगे और इस मार्क को ऊपर तक मिला देंगे। यहाँ पर 2 बॉक्स बनाकर अपने नेक की कटिंग कर लेंगे। तो पहले हमने बैक नेक की कटिंग करनी है। इसके बाद देखिए, ये जो फोल्ड वाली साइड है यहाँ पर छोटे से नॉचेस लगा लेंगे जो हमारे कंधे के पॉइंट बनेंगे इस तरह से। इसके बाद हम अंदर वाला ये एक पार्ट निकाल देंगे और इसको हमने वापस से डबल फोल्ड इस तरह से करना है। अब देखिए, आपको फ्रंट नेक में जो भी शेप चाहिए उसकी मार्किंग करके यहाँ पर कटिंग कर सकते हैं। मैं ये फ्रंट नेक भी राउंड में बना रही हूँ तो मैंने इसकी कटिंग इस तरह से की है। अब ये वाला हमारा बैक नेक है और ये फ्रंट नेक है। इसके बाद इसको डबल करके राइट साइड में टर्न कर लेंगे।
सो ये वाली फिटिंग वाली साइड है। अब देखिए हमने नेक फिनिश करना है, तो नेक फिनिश करने के लिए हम ब्यास स्ट्रैप का यूज़ कर रहे हैं। सो तिरछी पट्टी की चौड़ाई मैंने लगभग 1.5 इंच कट की है। इसको राइट साइड में इस तरह से रखकर सिंगल भी लगा सकते हैं, आप इसको डबल भी लगा सकते हैं पूरे नेक की गोलाई में। इसके बाद ये रॉन्ग साइड में इस तरह से चला जाएगा। तो यहाँ पर हमने ब्यास स्ट्रैप को डबल करना है इस तरह से, और जहाँ से हमारा बैक नेक है थोड़ा पीछे से स्टार्ट करेंगे। तो जो कंधे के हमने नॉचेस लगाए हैं उसे 1.5 इंच अंदर की तरफ हमने स्टार्ट करना है। अब इस पट्टी को हमने अपने पूरे नेक की गोलाई में डबल फोल्ड करते हुए इस तरह से लगा लेना है। अब इस साइड में जो जॉइंट आया है इनको हमने बराबर मिलाकर एक तरफ फोल्ड करके सिलाई लगाकर फिनिश करना है। पट्टी लगाने के बाद अब हम पूरे नेक की गोलाई में छोटे छोटे नॉचेस लगाएंगे। सो ये नॉचेस हमने ध्यान से लगाने हैं। अब देखिए ये जो हमने पट्टी लगाई है इसको रॉन्ग साइड में इस तरह से टर्न करना है, और इसके ऊपर एक पैर का दबाव लेते हुए सिलाई लगानी है। इसके बाद आप इस पर हैंड स्टिच भी कर सकते हैं, या फिर ये आयरन से भी इस तरह से सेट हो जाएगा। तो लीजिए ये नेक हमारा बिल्कुल फिनिश हो चुका है। सिलाई लगाने के बाद जो ये पट्टी है रॉन्ग साइड में इस तरह से चली गई है। अब इस पर हमने आयरन करनी है और इसको अच्छे से सेट कर लेना है। इसके बाद अब देखिए जो हमारे काफ्तान के चारों एजेस हैं उसको हम फोल्ड कर लेंगे। तो फोल्ड करने के लिए यहाँ पर मैं 1/4 इंच का दबाव इस तरह से डबल फोल्ड करूँगी और किनारे पर एक सिलाई लगाऊँगी। तो यहाँ पर हमने ज़्यादा मार्जिन नहीं लेना है, हल्का सा दबाव लेते हुए हम इसको चारों तरफ से हेम कर देंगे। सो गाइज, वीडियो में कोई ऐसी बात जो आपको अच्छे से नहीं समझ आई है या मैं आपको अच्छे से नहीं समझा पाई हूँ तो आप मुझे वो कमेंट में पूछ लेना, मैं सभी कमेंट्स का रिप्लाई करती हूँ। तो देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर फोल्ड कर लिया। इसके बाद इस साइड में जो किनारी है यहाँ पर मैं डबल फोल्ड नहीं करूँगी, सिर्फ सिंगल फोल्ड करूँगी इस तरह से, क्योंकि ये किनारे वाली साइड है तो इसके कोई एजेस नहीं निकलेंगे। तो सिर्फ हमने इसको सिंगल फोल्ड कर लेना है इस तरह से। तो यहाँ पर ये कॉर्नर बन जाएगा। अब किनारे वाली साइड जितनी भी है पूरी लेंथ में इसको एक पैर का दबाव लेते हुए हमने इस सिंगल फोल्ड करना है। सो दोनों साइड में यानी बाजू के साइड में जो किनारी आएगी एंड ये जो हमने हाई का मार्क किया है ये हमारे काफ्तान का दामन बनेगा। तो अब इसको भी हमने इसी तरह से फोल्ड करना है। सिलाई करते हुए हमने थोड़ा फिनिशिंग का ध्यान रखना है और फैब्रिक का जो दबाव है वो 1/4 इंच ही लेना है। तो इस तरह से देखिए हमने ये नेक फिनिश कर लिया है और काफ्तान के चारों एजेस को डबल फोल्ड करते हुए हेम कर लिया है। अब इसकी फिटिंग लगानी है, तो फिटिंग लगाने के लिए पहले इसको इस तरह से डबल फोल्ड कर लेंगे और दोनों ये कॉर्नर हैं यहाँ से दोनों साइड से अच्छे से कॉर्नर्स के मिलाकर रखेंगे। और जो हमने मार्किंग की थी मैं इसको डार्क कर लूँगी ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो जाए। सो इस मार्किंग को हमने अच्छे से डार्क कर लेना है एंड इसके बाद इसकी फिटिंग लगानी है। फिटिंग लगाने के लिए देखिए ये कॉर्नर्स को अच्छे से बराबर मिलाकर पकड़ेंगे और जो हमने मार्किंग की है इसी के ऊपर हमने सिलाई लगा देनी है, और इसी साइड से हम दूसरी साइड में भी सिलाई लगा देंगे। सो कॉर्नर्स का और लेंथ में हमने इसको बराबर मिलाकर रखते हुए फिटिंग लगानी है। सो बस हमने यहाँ पर ध्यान रखना है जो काफ्तान के नीचे कॉर्नर है उनको बराबर मिलाकर रखना है, और नेक के साइड से जो लेंथ है नीचे से इसको भी बराबर मिलाकर रखना है। तो देखिए ये वाली जो हमने मार्किंग की है मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ, ये जो मार्किंग है वो कपड़े की सीधी तरफ हमने की है। अब इसी तरफ हमने इसकी सिलाई कर देनी है। सो मार्किंग पर हमने सिलाई करनी है और ये जो सिलाई है कपड़े की सीधी तरफ आएगी, रॉन्ग साइड में नहीं आएगी। काफ्तान की सिलाई हमेशा सीधी तरफ आती है। और ये सिलाई करते हुए स्टार्टिंग और एंड में सिलाई को अच्छे से पक्का कर देंगे 3 से 4 बार ताकि जो इसके सिरे हैं वो लूज़ होकर खुल ना जाए। अब देखिए इस साइड में हमने जैसे फिटिंग लगाई है इसी तरह से हम दूसरी साइड में भी फिटिंग लगा लेंगे। तो यहाँ पर दूसरी साइड में भी मैंने फिटिंग लगा ली है। अब इसके देखिए साइड के जो एजेस हैं यहाँ पर हम लेस का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो लेस के लिए मैंने ये झालर वाली लेस ली है मल्टी कलर की, जिसको सिंपली इसके नीचे हम इस तरह से रखेंगे और एक सिलाई लगा देंगे।
अब देखिए ये हमने लेस कितनी लेनी है। सो गाइस 2 मीटर के काफ्तान के लिए लगभग 8 मीटर की हमारी जो लेस है वो इस्तेमाल हो जाएगी। तो यहाँ पर 8 मीटर हमने लेस ले लेनी है, और लेस आप किसी भी तरह की ले सकते हैं, अपनी पसंद की, जो भी आपको अच्छी लगती है। सो थोड़ी सी इस तरह की टाइप की जो लेस होती है, यानी लटकन टाइप की, उस तरह की अगर आप लेस लेंगे तो काफ्तान में ज़्यादा अच्छा लुक आएगा। सो फ्रेंड्स, लटकन टाइप की लेस में कई तरह के डिज़ाइन आते हैं, जैसे टाजल्स लेस, पॉम पॉम लेस, या इस तरह की झालर लेस। सो इसी तरह की आप लेस लगाएं, स्ट्रेट लेस में वो लुक नहीं आएगा जो इस तरह की लटकन शेप वाली लेस में आता है। तो मैं यहाँ पर टाजल ये झालर लेस ले रही हूँ। लास्ट काफ्तान की वीडियो में मैंने टाजल्स लेस यूज़ की थी, तो आप वो देख सकते हैं। और अपनी एक काफ्तान में मैंने पॉम पॉम लेस भी यूज़ की है। अब देखिए ये कॉर्नर आ गया है, यहीं से हम इस लेस को टर्न कर लेंगे। और अगर आपका कहीं जॉइंट भी आता है तो कॉर्नर पे ही इस तरह के जॉइंट लगा सकते हैं लेस में। इसके बाद अब हमने इसको ये दामन वाली साइड है काफ्तान की, यहाँ भी इस तरह से लगा देनी है। एंड गाइस, फिर से बता देती हूँ, अगर आप 2 मीटर का ये काफ्तान बिल्कुल इस तरह से बना रहे हैं तो आपको 8 मीटर लेस की ज़रूरत पड़ेगी। और इस वीडियो में मैंने एक एक चीज़ क्लियर बता दी है, कितना कौन सा कपड़ा लिया है, कितना कपड़ा लिया है, क्या मेजरमेंट है, कितनी लेस है। सो सब चीज़ एक एक चीज़ मैंने डिटेल में बताई है। इसके बाद भी कुछ लोग कमेंट करते हैं कि आपने कपड़ा कौन सा लिया है, कितना कपड़ा लिया है, क्या मेजरमेंट है। सो प्लीज़ आप वीडियो एंड तक ज़रूर देखा करें, इसके बाद ही आप कमेंट में कोई भी सवाल है वो करा करें, क्योंकि जो चीज़ हम वीडियो में बता चुके हैं उसके बारे में आप बार बार पूछें तो वो ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। इट मीन्स आप वीडियो देखते ही नहीं हैं और फौरन आप कमेंट कर देते हैं और फिर वीडियो में से निकल जाते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक देखें। सो गाइस, यहाँ आकर हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। एंड इस शलवार का जो लिंक है वो मैं वीडियो के पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, नहीं तो आप डायरेक्ट मेरे चैनल पर जाकर भी इस शलवार की वीडियो देख सकते हैं। सो गाइज, इसी के साथ हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। एंड अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा चैनल पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए आइडियाज़ के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।